पे आ चुके हैं। बस जस्ट यहाँ पे हमारा स्टॉप था और उसके स्टॉप आने के बाद यहाँ पे ये लाइन है और ये फोटोग्राफी कर रहे हैं भैया। तो ये फ्री कॉस्ट है और यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे ये झील है, फिर झील आने के बाद दीपक तो आगे चला गया, ले आई तुमको। तो चले फिर कहाँ से स्टार्ट है, ये क्या चीज़ है मुझे बताते रहना शुभांकर, तू मेरा गाइड है। ओह हेलो, हम तो इधर आ गए, इंडिया गेट तो उस पार है। हमारे पीछे ही छुट गए भैया, हमारे पीछे ही आ गए फोटो खिंचवाते खिंचवाते। फ़ोन में लोगे तो 30 और अगर प्रिंट आउट लोगे तो 50। तो हम सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, प्रिया अपनी सेल्फी ले रही है। नहीं भैया फोटोज के लिए बहुत साइड क्या है, तो उस साइड है हमारा इंडिया गेट और हम आए इस साइड अंदर अभी फिलहाल। तो ये है कर्तव्य पार्ट, आप यहाँ यू आर हेयर। अच्छा यहाँ से शायद हम बस भीड़ देख रहे हो ना, इंडिया गेट रात को अच्छा लगता है क्योंकि रात में ना लाइट्स होती है ट्राई कलर में, जो इंडिया के फ्लैग में रहता है उसमें, उस तरीके से बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा। मुझे कह रहा है कि तू दूर रह अब ना, पर गुत्तू सॉरी की है मेरी गुत्तू। भैया फोटोज ले रहे हैं, ये देखो इस तरीके से फोटोज ले रहा है उसके साथ सोए हुए में। नीचे आने का क्या मतलब है शुभांकर? अच्छा हम ना यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकते, हम अंदर से ही जाएंगे जमीन के नीचे से, उस वाले रास्ते हम वहाँ निकलेंगे। उड़नी है कैमरा वहाँ, आपको पानी की बॉटल तक नहीं मिलेगी। और ना यहाँ से इधर से नहीं जाना रास्ता, हम जाएंगे अंदर के साइड से। ये नहीं क्या कहते हैं, ये अंडरपाथ है। अंडरपाथ का मतलब ये कि आप कर्तव्य पाद रिवॉल्व एंड कुछ इस तरीके से। ये सब कुछ दे रखा है जो जो यहाँ पे, टेम्प्ररी ब्रिज, नहर की दीवारें, कैनाल वॉल्स और वो सब कुछ दे रहा है, ये सब कुछ है। इंडिया गेट पर स्टेट प्लाजा, ये डेवलपमेंट दक्षिण अंडरपास, इंडिया गेट और विजय चौक। Guys, finally, welcome to India. Okay, ये है इंडिया गेट जो कि मैं कुछ टाइम पहले यूट्यूबर हाँ नोटबुक में देखा करती थी। डेड ऑफ द इंडियन आर्मी जो फेल्ड एंड उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो बहुत ही और पता है सबसे अच्छा इसमें ओके इसमें सबसे अच्छा है जिसमें जितनी ब्रिक दिख रही है ना आपको, छोटा छोटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारे शहीद जितने शहीद हुए उनके नाम है, ये शहीद हुए ना उनका नाम है, मैं पढ़ भी पा रही हूँ किसी किसी के। देख रामदत्त सिंह और ये
मोहम्मद, कैप्टन, ये सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए, इसमें दिखाई नहीं दे रहे। दीपक एसजी आ रही तो है, दिखाई दिया ना इस तरीके से इन्होंने शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये है इस तरीके से हर एक ब्रिक में, ये ऊपर तक, ये पूरा जितना मतलब यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक बनाए मेंशन कर रखे हैं ये। तो यहाँ पे जैसे श्याम सुंदर, शिव गोविंद, शिवनाथ सिंह, जितने ही हमारे शहीद हैं, शहीद फौजी, उन सबके नाम लिखे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। किस देश का झंडा है मुझे भी नहीं पता, जो रील्स बना आप देख रहे हो तो आप लोग बताना है किस देश का झंडा है ये, ठीक है। कि वहाँ पे रील्स बना रहे थे, कोई स्टंट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और ये सिर्फ आपको इंडिया गेट के पीछे ही आपको मिलेगा। तो जो ये स्टैचू बना हुआ है, ये बना हुआ है सुभाष चंद्र बोस का, शायद मैं मेंशन नहीं कर पा रही हूँ अभी ठीक से। तो यहाँ पे ये स्टैचू बना हुआ है बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं था, तो यहाँ पे शायद आगे जाके लिखा हुआ रहा होगा, लेकिन हम उतने आगे नहीं गए। और ये यहाँ पे 26 और 15 अगस्त में जो ये रोड है जो साइड से बनवी हुई है वो इस दिन ओपन होती है, जिस दिन यहाँ पे परेड होता है। यहीं पे सारे जो स्टंट वगैरह होते हैं 26-15 अगस्त में, यही वो सारी रोड है। और ये जो आपको सूरज ढलता हुआ दिखाई दे रहा है ये जस्ट जिस साइड से हम आए उस साइड है, और इस साइड ये रोडे बहुत जगह को गई हुई है। तो जिधर से हमारी एंट्री होती है सिर्फ एक रास्ता इन्होंने खोला हुआ होता है जो हमको एग्ज़िट करने के लिए दिया जाता है, वो वाला रास्ता। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, वीडियोस बनाई, बहुत सारे लोग देखे, और कुछ छपरी भी देखे छपरी इन द सेंस कि ये नहीं कि यूट्यूब के लिए, जो वो स्टंट वगैरह जो मीम्स वगैरह करते हैं। और मैं तो डरी गई थी, मैं अपनी एक फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, वहाँ पे एक लड़का अचानक रोते रोते आया बहुत ज़ोर ज़ोर से, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन बाद में पता चला वो प्रैंक कर रहा था, इतना गुस्सा आया ना उसे देख के। और फिर उसके बाद एग्ज़िट करने के बाद आपको बाहर में बहुत सारे स्टॉल मिलते हैं खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कैब आने का, नहीं तो ऑटोज़ तो लगे रहते हैं, जो ऑटो वगैरह रहते हैं वो लगे रहते हैं, लेकिन कैब के लिए आपको रोड क्रॉस करनी पड़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बच्चों के साथ इम्पॉसिबल रहता है। तो यहाँ पे खाने की चाट वगैरह जो स्टॉल वगैरह लगी रहती है, यही था मेरा इंडिया गेट का। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आई होप सो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ एंड न्यू व्लॉग के साथ।